फातिमा कंगन गांधरबल की मुस्तकिल बाशिंदा है। पिछले डेढ़ साल से मुसलसल कश्मकश में मुफ्तला है। गफलत शारी और गलत रहनुमाई फातिमा के लिए मुसीबत बन गई है। बार बार कोर्स अधूरा छोड़ने के सबब टीबी का ये मरीज घर वालों के लिए भी बाई से तश्वीश बन गया है। शादी से पहले ये था छाती का टीबी का कल्चर, तो हमने सोचा इसको ऐसे ही है। फिर हमने टेस्ट वेस्ट किया तो दवाई चालू किया जब इसका, फिर हमने इसको दवाई दिया 6 महीने के लिए डॉक्टर साहब ने। इसे 4 महीने कहे, 2 महीने इसे कोर्स तोड़ दिया, बच्चे इसका लड़का पैदा हुआ इसे तोड़ा। फिर इसको 1 साल से बाद इसको दोबारा फिर ये हो गया, इसको दर्द और बुखार शुरू हो गया, खाना पीने इसका डाउन हो गया, खाती नहीं थी। फिर जब इसको हमने दोबारा टेस्ट शुरू किया, इसको वही प्रॉब्लम होगी दोबारा टीबी की। फिर इसका दवाई चालू किया 9 महीने के लिए, इसने 5 महीना कहा, 4 महीने कोर्स तोड़ दिया। फिर इसको 1 साल फिर वही आदत हो गई, ये 3री दफा इसका साथ। अगर जो भी कोर्स तोड़ेगा उसका फिर बचना मुश्किल हो जाएगा, वो मर नहीं सकते। अगर किसी बदकिस्मत को दोबारा जिंदगी में टीबी हुआ तो उसको हम 8 महीने की दवाई का कोर्स दे रहे हैं। जो शख्स लगातार मुतवातिर ठीक तरीके से दवाई खाता हो वो बिल्कुल सेहताब हो जाता है। अगर कोई शख्स ये कोर्स अधूरा छोड़ेगा तो इसको खतरनाक शक्ल की सूरत इजाद हो जाती है, जिसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी एमडीआर टीबी बोलते हैं, जिसमें फिर और इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 6 या 8 महीने के बजाय उसमें 1.5 साल तक दवाई का कोर्स खाना होता है, जिसकी दवाइयाँ बहुत ही टॉक्सिक है, उनके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। मशकूक अशखास को बलगम की जांच के लिए भेज दिया जाता है डीएमसी यानी सरकारी अस्पताल की लेबोरेटरी में। बलगम की जांच आला तरीके से मुफ्त की जाती है। देखिए, हमारे यहाँ पेशेंट को स्पूटम कलेक्शन के लिए हम साथ जाते हैं सामने कलेक्शन सेंटर पर, तो उसको हम दिखाते हैं, हम खुद उसको डिमांड करते हैं कि पैसे उसको लंबे सांसें लेनी है, जोर से खांसना है, मुंह का गले का उसको सलाइवा नहीं देना है, उसको छाती में से बलगम देना है। तो अच्छे से वो जब कंटेनर क्लोज करके फिर यहाँ पर लाते हैं दूसरे सैंपल के लिए, उसको फिर दूसरा कंटेनर दिया जाता है जो वो मॉर्निंग में फिर कलेक्ट करके आता है। इसमें क्वालिटी कंट्रोल आरएनटीसीपी में जो है क्वालिटी कंट्रोल पर बहुत ध्यान दिया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल में यहाँ से मतलब स्पूटम कलेक्शन से इसको रिपोर्टिंग तक हर जगह क्वालिटी कंट्रोल होता है। माहिरीन के मुताबिक इस मरीज की मुश्किलें बढ़ने का अंदेशा है। सबसे बड़ा खतरा ट्यूबरक्लोसिस में क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में सबसे बड़ा खतरा यही है कि इसमें रेजिस्टेंस के पहुंच जाए, और अगर रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस कब होगी कि अगर आपने एक दिन दवाई खाई दूसरे दिन नहीं खाई, चौथे दिन, या बीमार को कभी परसेप्शन ये होता है कि अब तो मैंने एक महीना दवाई खा ली, अब तो मैं ठीक हो गया, मुझे खांसी भी कम हो गई, बुखार भी नहीं है, तो अब तो मुझे लगता है कि मैं ठीक हो गया, वो दवाई छोड़ देता है। मुआफिक माहौल पैदा करना डॉट्स स्ट्रेटजी की पहचान है। वक्तन फवक्तन इस सेहती आमा के मसले यानी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को समाज में उजागर किया जाता है। डॉट्स लाहे अमल नॉन डॉट्स तरीके से कई बातों में बाला है। मरीज को इब्तिदा से कोर्स के आखिर तक एक ऐसा सोशल सपोर्ट सिस्टम का सहारा मिलता है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। डॉट्स वाला जो प्रोग्राम है ये डब्ल्यूएचओ का रिकॉर्ड प्रोग्राम है और डब्ल्यूएचओ का डिजाइन प्रोग्राम है, तो इसलिए इस पे बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू नॉन डॉट्स। गवर्नमेंट सेंटर में इसकी बहुत ज्यादा एक पूरा मेथोडोलॉजी, एक पूरा प्रोटोकॉल डेवलप्ड है, जबकि जो नॉन डॉट्स है ज्यादातर प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और बाकी लोग दे रहे हैं, जहां पे इसकी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इस प्रोग्राम की क्योर रेट पे मैं कुछ भी कहना चाहता हूँ, चाहे क्योर रेट पूरा भी हो, लेकिन जो डॉट्स वाला प्रोग्राम है इसमें कंप्लायंस बहुत ज्यादा होती है। पेशेंट कंप्लायंस अगर हम देखें तो ये है कि जो हमारा डॉट्स का स्ट्रक्चर है ये
पीएनसी लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल तक पूरा एस्टेब्लिश्ड है और जहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोग डिफरेंट विद बैकअप सपोर्ट अपने बॉडी काम कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पेशेंट हमारे वर्कर के सामने दवाई खाता है,